ಭಾರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನಾದರೂ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಹಾಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರಿ, ಫರಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋಪ ಬಂತು, ಲೋಭ ಬಂತು, ಇನ್ನೇನೋ ವಿಕಾರದಿಂದ ರೂಪನೇ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. ಆ ಫರಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದ್ದವ್ರದ್ದು ರೂಪ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು? ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಫರಿಷ್ಠೆ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೀರ? ಇಲ್ಲ, ಅಗಂಬರ್ನ ಫರಿಷ್ಠೆ. बनना कैसा था? फुल फरिश्ता. बन कैसा गया? हैंडीकैप फरिश्ता. अब क्या हुआ? नुमा शाम में फिर से बाबा की याद आई, है ना. पहले फुल था, फिर हैंडीकैप बन गया, फिर नुमा शाम में याद आई बाबा की, फिर यहां तक कंधे तक, फिर फरिश्ता बना. ठीक है. और लेडीज टीवी देखते हुए, भोजन भोजन करते हुए टीवी देखा तो फिर डाउन हो गया कमर तक. संजय योग शुरू मारती ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೇನೆ, ಆದರೂ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕ್ಕೆಗಳವರಿಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ. ರಾತ್ರಿ ಪುನಃ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಅದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪುನಃ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಫರಿಷ್ಠೆ ಹಾರಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಫರಿಷ್ಠಾ ಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಡೌನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. हमारे सबके घर में टंकी है, सबके घर में टंकी है ना, पानी भरने की टंकी, वाटर टैंक. वाटर टैंक में नल 24 घंटे चालू है, 24/7 चालू है, पर टंकी नहीं भर पा रही. कारण क्या होगा? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಾಗ್ತಿದೆ? ಕ್ಯಾ ಕಾರಣ ಹೈ ಬತಾಯಿ? ಲೀಕೇಜ್. क्या कारण है? लीकेज है ना. फोर्स तो फुल है, बाबा है, शिव बाबा जब देगा तो फोर्स कम थोड़ी देगा, फुल देगा ना. जैसे नल चालू वाला करने वाला फुल फोर्स में दिया, पर टंकी नहीं भर पा रही. कारण है लीकेज. हम भी ज्ञान में 10, 20, 25, 30, 40, 50 साल से चल रहे हैं, पर हमारी बुद्धि रूपी टंकी नहीं भर पा रही, हम बाप समान नहीं बन पा रहे. कारण क्या है? ಇಪ್ಪತ್ ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ ಐವತ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಬನ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಹೇಗೆ ತುಂಬತಾ ಇದ್ವೋ ಹಾಗೆ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿ ಟ್ಯಾಂಕಿನೂ ಕೂಡ ಶುಭಾಭ ಕೊಡೋದಾತ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿ ತುಂಬತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಕಾರಣ? ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಿ ಟಂಕಿ ಹಮಾರಿ ಹಮ್ ಬಾಪ್ ಸಮಾನ್ ನೀ ಬನ್ ಪಾರೆ. बाबा की एनर्जी तो फुल आ रही है, बाबा देने में कमी नहीं कर रहे हैं, बाबा पूरी शक्तियां दे रहे हैं, पूरे वरदान दे रहे हैं, 24 घंटे 24/7 जब भी उठो बाबा की शक्ति आप ले सकते हो, ले सकते ना, ऐसा तो नहीं रात को नहीं ले सकते, सब ऑल टाइम. बट हमारा क्या है, जो लीकेज है, हमने 5 घंटे योग किया पर एक लीकेज, 1 मिनट क्रोध कर दिया तो 5 घंटे का योग 1 मिनट में वापस बाहर बाहर गया. क्लियर? ठीक है. 10 घंटे योग किया, थोड़ा देहिक दृष्टि से देख लिया, देहाभिमान से देख लिया, अहंकार आ गया, वो 8 घंटे का योग माइनस. तो ऐसे कौन कौन सी लीकेज है मेरे पर्सनल कड़े संस्कार, मेरे ऐसे कौन कौन से, मेरे नहीं है वो, रावण के संस्कार सोचो, जो उसको मैंने अपना मान लिया, मेरा मान लिया. तो ऐसे कौन कौन से कड़े संस्कार, आदतें, संकल्प, बुरी कमजोरी जो है वो कौन कौन सी है, लिस्ट बनाइए. आंखों को बंद करके देखेंगे कौन कौन से ऐसे कड़े संस्कार जिसके कारण मेरी स्थिति डाउन हो जाती है. जो पावरफुल स्थिति रहती है वो लीकेज हो जाती है, सारी पावर जो है लीकेज चली जाती है, बाहर निकल जाती है. बाबा कोडोदाता फुल फोर्स अली करते रहे, अरे मक्कळ बुद्धि ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೀಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 4-5 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ನಿಮಿಷ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. 5-6 ಗಂಟೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇಹ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಲೀಕೇಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐಸೆ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸಿ ಲೀಕೇಜ್ ಹೈ, ಏಕ್ ಮಿನಿಟ್ ದೇಖಿ. ಕ್ರೋಧ ಹೈ, ಈರ್ಷಾ ಹೈ, ದ್ವೇಷ ಹೈ,
बातों को पकड़ना है, आलस है, अलबेलापन है, टाल मटोल है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उमंग उत्साह की कमी, ऐसे कौन कौन से लीकेज हैं, मेरा नहीं रावण का कौन सा संस्कार है जो मुझे संपन्न और संपूर्ण फरिश्ता नहीं बनने दे रहा। देखिए संस्कार ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಂದಲ್ಲ ರಾವಣಂದದು, ಆದರೆ ನಂದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಅಂತ ಯಾವ ಮಾತುಗಳಿದೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ, ಕ್ರೋಧ, ದ್ವೇಷ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಚೆಕ್ ಕರಿ. करना क्या है, उन संस्कारों को हटाना है। देख लिया, चेक कर लिया, सबके अलग अलग होंगे। कोई को क्रोध परेशान करता है, कोई को आलस परेशान करता है, कोई को ईर्ष्या परेशान करती है, कोई को ओवर थिंकिंग परेशान करती है, सबके अलग अलग संस्कार होंगे। करना क्या है, अब उस संस्कारों को निकालना है, बाहर फेंकना है। संस्कार क्रोध ಇರಬಹುದು, ಈರ್ಷೆ ಇರಬಹುದು, ಒಂದೊಂದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೀಗ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. एक व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से भाषण कर रहा है और आप उसके भाषण सुनकर ताली भी बजा रहे हैं, पर अचानक उसके अंदर कोई आत्मा आ जाती है और वो कूदने लगता है। आपको पता है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, कभी क्रोध नहीं करता, पर वो आत्मा आ गई, कुछ उसके अंदर कुछ प्रवेश हो गया और वो यहाँ कूद कूद कर चिल्लाने लगा जोर जोर से, तो आप बोलेंगे कि ये बहुत व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसके अंदर कुछ आत्मा घुसी, इसको निकालना पड़ेगा। व्यक्ति खराब नहीं है, वो आत्मा जो घुसी, जो जो नेगेटिविटी आई उसके अंदर, वो खराब है, राइट। ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು, ಜೋರ್ ಜೋರ ಕಿಚ್ಚಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕುಣಿದಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ಅಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಯಾವುದೋ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. इसी प्रकार हमारे अंदर भी कई भूतों ने प्रवेश कर लिया है। जब हम परमधाम से आए बहुत प्योर थे, पर द्वापर युग में धीरे धीरे देह भान आया, देह अभिमान आया, फिर धीरे धीरे विकारों की एंट्री हुई। जैसे ही बॉडी कॉन्शियस आया, बॉडी के साथ बॉडी से रिलेटेड सारे विकार आ गए। तो क्या होता है, आपको क्या करना है, एक बार प्रैक्टिकल अपने आप से अपने संस्कारों को भिन्न समझना है, ठीक है। आपके ओरिजिनल संस्कार सुख शांति आनंद पवित्रता सात गुण तो वो आपके हैं, पर जो बाहर से आए संस्कार जो चिपक गए, आपकी जब परमधाम से जर्नी शुरू हुई तब भी आपके सात गुण थे आपके पास, ठीक है, अंदर में, पर ये वाले जो संस्कार हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये आपको द्वापर युग से कहीं ना कहीं आपके जीवन में आ गए, आपकी आत्मा में आ गए। ಪರಂಧಾಮದಿಂದ ನೀವು ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದರಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೇನಾಗಿದೆ, ಅವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಟ್ಯಾಚ್, ಈ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತೀರಾ? तो इसके लिए बहुत अच्छा अनुभव मैं कराता हूँ भट्टी में, सभी लोग बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, बोलिए और हेग मारतारे आगे एल्लरू, मैं बहुत महान, मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान का राइट हैंड हूँ, मैं देवता हूँ, मैं देवी हूँ, मैं बहुत महान हूँ।
देखो आप महान है पर अब जो आपके संस्कार है ना वो आपसे अलग है। सोचो वो यहां पर खड़े हुए है ना, वो सब संस्कार काले काले राक्षस के रूप में यहां पर खड़े हुए। अपना आपने देखा होगा ना शिवरात्रि में बाबा की शिवरात्रि का वो एनर्जी आती है, वो काम क्रोध मतलब ऐसे भागते राक्षस चित्र में, यहाँ कहीं होगा वो चित्र। हाँ आप ध्यान से सुनिएगा, बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, सभी बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ। ये क्रोध के संस्कार खराब है ना, आप बहुत अच्छे पर वो जो आपका संस्कार नहीं है वो रावण का संस्कार है जो आपके अंदर आकर ऐसा गलत करा देता है। मैं बहुत बाप दादा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं तुम रावण के संस्कार को जब अपना समझते हो तब प्रॉब्लम में आते हो। ये रावण संस्कार यावर नंदु अंतिरला आगे निम्न समस्या इतने शुरुआत होता। मेरा संस्कार वो क्रोध का, बोलिए मैं बहुत अच्छा हूँ, क्रोध का संस्कार खराब है, ज्यादा सोचने की आदत खराब है, आलस अलवेला करने की आदत खराब है, मुरली मिस करने की आदत खराब है, पर मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत महान हूं। गुरुवार के गुरुवार अवसानी की आदत खराब है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत महान हूं। दूसरे पर गुस्सा करने की आदत खराब है, मूड ऑफ करने की आदत खराब है, पर मैं बहुत अच्छा हूं। ये सब आदतें खराब हैं, ये रावण के हैं, मेरे नहीं है। जब मैं अपना मानता हूं तो मेरे में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप कैसे हैं, महान है, आदत को बाहर निकालना है। हम क्या करते हैं, आदत को निकालने की कोशिश करते हैं डायरेक्ट, जैसे क्रोध छूट जाए, आलस छूट जाए, नहीं छूटेगा। एक गंदी पानी की बाल्टी है उसमें क्या करना है, अच्छे पानी का नल चालू कर देना है, बाबा की पवित्रता का। जैसे गंदे पानी की बाल्टी में काम क्रोध मद लोभ अहंकार द्वापरयुग से भरा हुआ है अपनी बुद्धि रूपी टंकी में, अब पवित्रता का जल आपको चालू कर देना है धीरे धीरे करते हुए। जैसा कितना जल लेते हैं आप डिपेंड करता, कितना योग करते हैं उस अनुसार वो अंतःकरण की सारी गंदगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा कि आपके अंदर सिर्फ पवित्रता का जल होगा, संपूर्ण पवित्रता की स्टेज होगी और आप संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। ये है पुरुषार्थ। बाबा रवर शक्ति पड़ो या की स्थिति आगते ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಯಾವುದು, ಈ ವಿಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ನಂದು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದೆಲ್ಲ ರಾವಣದ್ದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಅಸಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ, ತುಂಬಾ ಯೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಬಾಬನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಿದೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಳಕು ನೀರು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿಂದ ಕೊಳಕು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಬಾಬು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರೋ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ. ಕಲ್ ಬಾಬಾನೆ ಕಲ್ ವಿನಾಶ ಹೋನೆ ವಾಲ ಸೋಚು ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲ ಕ್ವಶ್ಚನ್ कि हम फरिश्ता कब बनेंगे, सत्ययुग में बनेंगे, सूक्ष्म बतन में बनेंगे, है ना, या सत्ययुग में बनेंगे, कब बनेंगे फरिश्ता, कब बनेंगे फरिश्ता, अभी बनेंगे फरिश्ता तो सूक्ष्म बतन में जाएंगे तब सत्ययुग में आएंगे। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि यहां नहीं बनेंगे फरिश्ता, सूक्ष्म बतन में बनेंगे तो पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे वो लोग। ಸತ್ಯೋಗದಲ್ಲಾಗೋದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂತಂದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಬಾಬಾರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿಷ್ಠೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಯಹ ಆತ್ಮ ಪೂರೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಫಲಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಂದಂಗೆ पूरी आत्मा डिवाइन सत्ययुगी पवित्र दिव्य फरिश्ता बन जाएगी, सिर्फ वहां पर शरीर भी चेंज होगा,
आत्मा में पूरे संस्कार भर जाएंगे, यहीं पर भरना है। अच्छा, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि वहां जाकर भरेंगे तो वहां कोई पुरुषार्थ थोड़ी होगा, शरीर में रहकर संगम युग में अभी पुरुषार्थ करना है ना, अभी करना है ना। ऐसा करो, हाँ ऐसा करो, शरीर इतना बड़ा स्केल है। बोलिए, 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना, ये जीरो है ना। पहले तो 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। बोलो, तब जीरो में आओगे। 63 जन्मों का जो पुराना उधारी है उसको खत्म करना है पहले, तो वो लोन लिया है जो माया से। 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करना है। और 21 जन्मों के पुण्यों को जमा करना है। पहले 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश, पर 21 जन्मों के पुण्यों को जमा करना है। कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा बताओ? विकर्म एल्ला विनाश माड्कोंडु जीरो आद्रे, आत्मा फुल स्वच्छ आद्रे मुंदक्के इरोदन्न जमा माड्कोळ्ळबहुदु। विकर्म इट्कोंडु जमा आगलिक्के साध्यना? इल्ल। अदक्के फस्ट क्लियर माड्कोळ्ळि, मुंदक्के इरोदन्न जमा माड्कोळ्ळि। कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अल्लिगे एष्टु पुरुषार्थ माड्बेकल्ल? हो जाएगा 1 घंटे का योग में। हमसे हमेशा वाइब्रेशन निकल रहे, राइट? हमेशा वाइब्रेशन निकल रहे। अब मैं योग में बैठता हूं, अब मैंने किसी आत्मा को ध्यान से सुनना, हमारे लौकिक में, घर में लौकिक में सभी आत्माएं हैं, यहां बैठकर हमने उसको शांति का दान दिया, बाबा इसको शांति का दान दीजिए, इसकी बुद्धि सदबुद्धि कर दीजिए, है ना। 1 घंटे हमने उसको शांति का दान दिया, पर 23 घंटे उसके साथ में रह रहे हैं, तुम कोई काम के नहीं, तुम्हारे कारण मेरे को ये प्रॉब्लम है। 23 घंटे उसको दूसरी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो और 1 घंटे वाइब्रेशन दे रहे हो, तो ज्यादा इफेक्ट किसका आएगा बताओ? प्रभाव जास्ति 23 घंटे ते 1 घंटे। हम सब कौन है? आत्मा है, आत्मा, मा मा आत्मा। सब माँ है, भाई भी माँ है, माताएं भी माँ है, सब माँ है। किसकी माँ है? संकल्पों की माँ। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ರಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮಂದಿರು, ತಾಯಿಯಂದಿರು। एक व्यक्ति है जिसने 10 बच्चों को जन्म दिया और उसकी पालना नहीं कर रहा, ऐसे छोड़ दिया, उसको अच्छा माना जाएगा दुनिया में? 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ? ಇಲ್ಲ। अब हमने योग में तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प किए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, भगवान का राइट हैंड योग में किया, पर बाकी समय 23 घंटे क्या किया? जो जो संकल्प क्रिएट किया वो सब वातावरण में जा रहे हैं, है ना। किसी ने आपको सुना दिया, है ना, कोई आपको सुनाता है, चुगली सुनाता है, व्यर्थ सुनाता है, वो कचरा है या अमृत है? समाचार पत्र में न्यूज नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है? सोशल मीडिया में नेगेटिव ज्यादा आता, पॉजिटिव आता है? ये सब कचरा है या अमृत है? कचरा है। अच्छा, कचरे को कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन में। आपने जब उसको सुना, जब आपने देखा, तो आप क्या बन गए? बोलो, क्या बन गए हम? डस्टबिन बन गए। और ये विचार केळिद्रे, सोशल मीडिया में बेंतिरोदेल्ला नोडिद्रे, पेपर टीवी नोडिद्रे, एल्ला कचरा तुमकोंड तुमकोंड एनादरु नीवु। अब जब डस्टबिन में इतना कचरा आएगा तो बाबा की आंख ठहरेगी? बुद्धि पवित्र है या व्यर्थ में है? और जो संकल्प क्रिएट किया है ना, अभी किसी ने सुनाया बाजू वाला पड़ोसी बहुत बेकार,
उसके घर में क्या हुआ, है ना, उस मोहल्ले में क्या हुआ, उस मोहल्ले में मैसूर में क्या हुआ, फलाना, तो आप सुन रहे हैं आप सब, तो वो कचरा आपको डाल रहा है। बड़े बड़े नगर पालिका के ट्रक म्यूनिसिपालिटी के पूरी दुनिया की खबर लेकर आते हैं मैसूर की, और आपके ऊपर डंप कर देते हैं, है ना, आपके ऊपर डंप कर देते हैं, और आप उसको सुनते हैं, और आप क्या बन जाते हैं, डस्टबिन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? और जो जो संकल्प क्रिएट किया वो सब वातावरण में चले गए। 23 घंटे जो संकल्प किया वो वातावरण में चले गए। अच्छा, हम जब छोटे थे हमको अपने मम्मी पापा से बात मनवाना है तो कब मनवाते थे? जब वो बिल्कुल शांत खुश है तब, या गुस्से में है तब? हम भी आत्मा है, जो संकल्प रूपी बच्चे जो वातावरण में चले गए वो कब आते हैं हमारे पास रिटर्न? जब हम शांत बैठते हैं योग में। एक आत्मा ताई अल्वा प्रैक्टिकल योग नहीं किया, क्रिएटिव योग नहीं किया, मनन चिंतन नहीं किया, सिर्फ बाबा से मुख से बोल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन, सिर्फ चैंटिंग, ओनली चैंट, जैसे हमने बोला मैं शांत स्वरूप आत्मा, तो तुरंत संकल्प आएगा। वो जितने थे ना यहाँ वहां, जो पड़ोसी वाला क्रिएट किया था, तुरंत आएगा। बाजू वाले पड़ोसी का क्या हुआ पता है? मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। वो जो समोसा खाने वाला संकल्प क्रिएट किया था ना, वह बहुत दिन से समोसा नहीं खाया। मैं बहुत महान आत्मा हूँ, एक ना एक दिन प्लेन से मधुबन जाऊंगी मैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। भोग में खुशियागिदीनि मधुबन सरी फ्लाइट अल्लि होगबेकप्प एनादरू माडि कन्फ्यूजन। ई कौन सा योग है? राजयोग या भटकता हुआ योग है? और फिर बाद में कहते ओम शांति। एनर्जी आएगी नहीं आएगी, क्या करना पड़ेगा? WCM बोलिए, WCM, वॉच कैच मैच। बुद्धि को देखो कहां है, पहले पहले वॉच करो, फिर कैच करो, फिर बाबा में मैच करो। बोलो ऐसा करो, हाथ से वॉच करो, जैसे आपकी बुद्धि कहाँ भटक रही है, अभी घर में नाश्ता बनाना, ये करना, अरे बना लो के जब बनाना है, पहले वॉच करो उसको, अभी वहां नहीं जाना है, अभी आप बाबा के घर में बैठे हो, वॉच करो, कैच करो, यहाँ आ जाओ, आत्मिक स्वरूप में मैच करो और बाबा में मैच करो, वॉच करो, कैच करो, मैच करो। योग में ये टेक्निक करना है ना, सबसे पहले कहाँ है बुद्धि देखना है, उसको पकड़ना है, अभी वहां की जरूरत नहीं है आपकी, यहाँ आओ और आत्मिक स्वरूप में मैच करके फिर बाबा में मैच करना, कैच करके मैच करना। फर्स्ट ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಬುನ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। ವಾಚ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। WCM। ಅಬ್ ಬಾಬಾ ನೆ ಕಹ ದಿಯಾ ಕಿ ಬಚ್ಚೆ ಕಲ್ ವಿನಾಶ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, अब मैं आप सबका टेस्ट लूंगा, ठीक है? मधुबन से हमको भेजा दीदी और मुझे भेजा, सोचो कौन कौन एंट्रेंस एग्जाम में देवता बन चुके हैं, उनका टेस्ट लेना है। मधुबन ने योजना कर सी दरे निम्गेला एंट्रेंस एग्जाम तो बड़ो दुखे यारेला देवते गड़ाव होगी दीरां थे ली परीक्षे मारो दुखे एग्जाम तो बड़ो दुखे रेडी ना। हाँ, अब कल विनाश होने वाला है और आज टेस्टिंग होगा। जो देवता बनेंगे और उनके क्या संस्कार होंगे वो आगे देखेंगे हम। जो देवता बनेंगे वही सत्युग में जाएंगे, बाकी फिर द्वापर और कलयुग में लाइन लगाएंगे, ठीक है? क्लियर? आप देवते आगे वो सत्युग के, बाकी हो गया द्वापर कलयुग, यार पास आते हैं वो सत्युग के। चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें,
आप सबको मंदिर में बिठाया जा रहा है। बाबा ने कहा आपका टेस्ट करना है ना, तो मंदिर में बैठ जाओ और अपने संपूर्ण स्वरूप में बैठ जाओ। कोई भी भगत आए, कोई भी आत्मा आए, सबको शांति सुख जिसको जो चाहिए। कोई रोगी है तो उसको निरोगी भाव का वरदान, कोई शांति चाहता है तो उसको शांति देवा का वरदान, कोई सुख चाहता है तो सुख देवा का वरदान, है ना। चलिए आशीर्वाद कहा कैसा कर लेते देखिए। आप अपने संपूर्ण स्वरूप में है, देवताई स्वरूप में जो भगवान बनाना चाहता है वो आप बन चुके हैं, देवता हैं आप, दिव्य। भगवान कहता है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है, पवित्रता का देव बनना है, पवित्रता की देवी बनना है। सारे आपके आसुरी संस्कार जो रावण के थे वो समाप्त हो गए हैं, और दिव्य संस्कार जो सत्युगी थे, जो आदि थे, वो इमर्ज हो गए हैं। अब कई आत्माएं आपके भगत आ रहे हैं आपके मंदिर में, बोले शांति दो, मुझे शक्ति दो, तो आप क्या बोलेंगे? तथास्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तथास्तु। कई आ रहे हैं मेरे घर में बहुत परेशानी, बहुत विघ्न है, तो उनको वरदान दे रहे हैं निर्विघ्न भाव। क्या वरदान दे रहे हैं? कल्याण हो, आपके घर में शांति हो जाए। कई बहुत रोगी, बहुत परेशान हूं मैं, बहुत रोग है, बहुत दिक्कत है, तो उसको निरोगी भाव का वरदान हो। क्या वरदान? अच्छा, सबको। कोई बोल रहा पैसे की बहुत कमी है, बहुत दिक्कत है, उसको धनवान भाव का वरदान। कौन सा वरदान? सबको वरदान दे रहे, सबको शक्ति दे रहे। अब ऐसी आत्मा आ गई आपके सामने जिसके साथ आपके संबंधों में बहुत टकराव है, मनमुटाव है, हमेशा अनबन रहती है, हमेशा लड़ाई रहती है। वो आपको दुश्मन समझता, आप उसको दुश्मन समझते हैं। अब वो आ गया आपके मंदिर में, अब वो आप गालियां दे रहे हो। अभी तक तो मांग रहे थे लोग, अब वो गालियां दे रहे हैं, तुमने मेरे साथ ये किया, तुम बेकार हो, तुम खराब हो, तुम कोई काम के नहीं हो। क्या करेंगे आप बताइए? अब देवता बहुत आपको कुछ भी बोल रहा है वो। निंदा कर रहे हैं, धनवान भव, आयुष्मान भव, एल्ला वरदानगळु, निरोगी भव, निर्विघ्न भव। ईग अंत आत्मरु बंद्रु देवतेगळिगेल्ला भयक्के शुरु माडिद्रु। अवरु यारप्प अंद्रे निम्गे आगदे इरोवरु, जगळ माड्कोंडिद्दवरु, कोप माड्कोंडिद्दवरु, ईग अवरिगे अंत आशीर्वाद माड्तिद्दीरा। आपका एक हाथ में आशीर्वाद का हाथ, दूसरे हाथ में गदा भी है। गदा है ना, गड़बड़ किया तो घुमा के एकदम पहले करते ना। क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे, गदा मारेंगे? बहुत अपमान कर रहा है आपका, क्या करोगे? बहुत दिमाग खराब कर रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है आपके बारे में, झूठ झूठ फैला रहा है, क्या करोगे? स्थिति खराब कर रहे हैं आपकी। प्रैक्टिकल में देखो कि वो सामने है, बिल्कुल आप देवता हैं, वो सामने है। आपके जो जो मेंबर है ना, जिनके साथ में पंगा है, वो सब सामने है, और वो सब ऐसा वैसा कह रहे हैं। यारी गल्ला निम्म कंड्रागल वाला और उधर क्यों नहीं निम्म उधर निपटी दरे, क्या करेंगे? कोपा मारती दरे, बैठा ही दरे, इन मारती दान तो गल्ला ही का। क्या करेंगे? क्षमा करेंगे, आशीर्वाद देंगे। पक्का? क्यों करने लगे आप क्षमा? कौन है आप? स्मृति से समर्थि आ गई है ना, हाथ ऐसा किया, स्मृति आई कि मैं कौन? देवता। स्मृति से समर्थि आई है ना। अभी काम करना दीदी, सबके हाथ में प्लास्टर बांध देना ऐसा, कहीं भी जाओ, मार्केट में भी जाओ ऐसा, घर में परिवार में भी जाओ ऐसा। सही दीदी ना, ही प्लास्टर आती है तेरे अंदर है ना, देवते अपना स्मृति में भी बंदी नहीं था, नहीं वो अपना शम्से थे, नहीं मामूली मनुष्य तरह इतने वंशे सिद्धि में मरती थी, क्योंकि और तरह नहीं पैदा है। आपको याद रहेगा मैं कौन हूँ, स्मृति निम्बे शक्ति है ना, कुर्ते आपसे विकर्ण भी नहीं होगा, व्यर्थ भी नहीं होगा है ना। कहीं भी गए, वो कोई भी चिल्ला रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर आपको स्मृति रहेगी मैं कौन। मार्केट होगी, एल्ले होगी, देवते स्मृति इतने और ये नहीं पहली मांडे इन्हें मांडती रहा, वो क्रोध कर रहा है, सामने वाला बहुत क्रोध कर रहा है, आपको क्या आएगी? दया आएगी। आएगी कि दया?
क्या हाथ उठाकर देखता हूं तुझे रुक, ऐसा तो नहीं, क्या करेंगे? तो कौन है आप? राक्षस कहां होता है? पैर के नीचे होता है। कहां होता है? पैर के नीचे होता है, है ना। यदि आपने आशीर्वाद दिया, क्षमा किया, वाइब्रेशन दिया तो ठीक है, पर जैसे ही आपका संस्कार नीचे आया तो नीचे राक्षस की कैटेगरी में, इसीलिए राक्षस को नीचे दिखाते। तो हम कौन? तो आप प्रैक्टिकल में हाथ तो हमेशा नहीं रख सकते, पर मन का हाथ सदा स्मृति रखना कि मैं कौन। कोई भी कर रहा, वो द्वापर युग वाली आत्मा है, जो मैन आपकी ग्लानी करने वाला है, जो मैन ग्लानी करने वाला है, वही द्वापर युग में आपके मंदिर का नंबर वन गायक बनेगा। यारो निमगे तुम्बा बैतरल्ल, द्वापर युगदल्लि निम्म मंदिरदल्लि अवरे निमगे तुम्बा गायन माडु। उसके साथी जो है ना चार पांच, जिसको वो सुनाता है, कोई ढोलक में रहेगा, कोई मंजीरा में रहेगा, कोई तबला में रहेगा, वो सब बजाते रहेंगे आपके मंदिर में। प्रैक्टिकल लॉ है, जो ग्लानी करेगा उसको गायन करना पड़ेगा। अदंत सत्य, यार इवत निंदने मार्तारो नाले निम्गवरु गायन माडे मार्तारे। राइट, तो आज के बाद कौन हूँ मैं? देवता हूँ। 24 घंटे कहीं तो निर्कोगिरकागल अरे की स्मृति अल्ली मनस में देवते सदा श्रेष्ठ। कभी आएंगे दीदी के पास? दीदी के पास, दीदी उसने मेरे को ऐसा कर दिया, मेरा मूड आप हो गया, दीदी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया। कभी देखा देवी ऐसे करके बैठी हुई और आयरन एक्स लगा रही है, यहाँ पर झंडोमान लगा रहे हैं देवता हनुमान जी, कभी देखा? स्मृति से समर्थी, स्मृति। कौन हूं मैं? भगवान कहते तुम मास्टर भगवान हो। बस एक कदम, हो सकता है कोई सोया और सोने के बाद शरीर छोड़ दिया, अगला जन्म सत्ययुग में। कितना टाइम है? 1 सेकेंड, हर घड़ी अंतिम घड़ी। मम्मा का मास चल रहा है, कोरोना वाले ने जो कोरोना का समय आया उन्होंने सोचा था मैं बुजुर्ग होऊंगा, 90 साल का होऊंगा, तब ये कर लूंगा, तब वो करूंगा, कोरोना आया, राम राम सत्य कहां गए, कितने लाखों लोग शरीर छोड़ दिया, किसी की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी, पुरुषार्थ फास्ट करना है। मोमाल और मास नडीता है, मोमाल और स्लोगन इदो, नम प्रति सेकंड कूड अंतिम क्षण, ಹಾಗಾಗಿ ಮಲಗಿ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಯಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಮುಗೀತು, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇ ಕಿ ಬಾಬಾ ಕಿ ಯಾ ಸದಾ ಕಸಿ ಬನಿ ರಹೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ? ಬಾಬಾ ಭೂಲ್ತಾ ತಭಿ ತೋ ಮಾಯಾ ಆತಿ ಹೈ ನಾ, स्पेस खाली रखेंगे तभी तो कुछ आएगा ना, और स्पेस फुल है तो नहीं आएगा। अब ग्लास भरा हुआ है, ग्लास भरा हुआ उस पर क्या आएगा? राइट, तो इसी प्रकार हमें क्या करें जो बाबा की याद दिन भर रहे? तो हमने एक बहुत सुंदर विधि बनाई है, घड़ी को देखकर भगवान की याद रहे, 1 से लेकर 12 तक का बाबा ने को निरंतर युक्ति आपको जो अगले 15-20 मिनट में जो टेक्निक बताई जा रही है, यदि इसको आपने अपने माइंड में भर लिया तो बाबा कभी भूलेगा नहीं। और लगातार देखो, 1 मिनट, 1 बजे आपने कौन सा कोड है? 1 नंबर मतलब शिव बाबा, क्या कोड है? शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। तो निराकारी स्थिति की ड्रिल करेंगे, जैसे 1 मिनट ड्रिल करेंगे उसकी पावर 1 घंटे तक चलेगी, 2 बजे तक। फिर 2 बजे का कोड आ जाएगा, 2 बजे का कोड मम्मा बाबा। कौन सा कोड है?
बोलिए तीन से क्या आ जाता है तीन लोक, तीन से क्या आ जाता है चार, से कौन सा कोड याद आता है चार धाम, बोलिए पांच से कौन सा स्वरूप याद आता है पांच स्वरूप है ना पांच। अच्छा माया को अपने पास बिठाना है या सिक्स मारना है बाहर, छह नंबर का कोड है माया को सिक्स मारना है बाहर, कितने गुण है हमारे सात बजे सात गुण लेना है परम धाम में, आठ बजे अष्ट शक्ति लेना है सूक्ष्म बतन में, क्या लेना है नौ बजे आप कौन से कल्याणकारी हो मैसूर कल्याणकारी कर्नाटक कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, तो विश्व को सकार देना है ना बहुत अच्छा, तो नौ ग्रह को भी सकार दो, जो नौ ग्रह को सकार देता है रोज दिन में पांच मिनट उसको फिर नौ ग्रह की अंगूठी पहननी ही पड़ती और किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो एनर्जी दोगे पॉजिटिव दोगे ग्रह को पॉजिटिव आपके पास आएगा है ना। ठीक है दस बजे रावण सर्वव्यापी है बाबा सर्वव्यापी बताओ क्या सर्वव्यापी रावण है बाबा, जो बाबा सर्वव्यापी बोल रहा है उसका कोर्स फिर से कराना पड़ेगा कौन पे कौन है रावण चारों तरफ है ना काम क्रोध मर्द, इस गेट के बाहर जाओ मिल जाएगा कोई ना कोई के अंदर क्रोध मतलब रावण ईर्ष्या द्वेष ये सब रावण है, तो रावण सर्वव्यापी है। अब हमें बाबा को चारों तरफ प्रत्यक्ष करना है ना, तो हम जब सब बाप समान बन जाएंगे उस समय सबको अनुभव होगा ये तो अल्लाहमय लोग हैं, ये तो भगवान के राइट हैंड है, ये तो पैगंबर मैसेंजर फरिश्ता शांति दूत है, तब लोगों को लगेगा बाबा सर्वव्यापी राइट क्लियर। तो हमें क्या करना है 10 बजे 10 दिशाओं में मुझसे फरिश्ते निकल रहे हैं और रावण की 10 चीज को खत्म कर रहे हैं काम क्रोध मद लोभ अहंकार, कितने बजे 10 घंटे के 10 दिक्कीनल्लो फरिश्ता स्वरूप रावणन 10 ತಲೆಯನ್ನ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆ 10 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫರಿಶ್ತಾ ರೂಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು। 11 ಬಜೆ ಬಾಬಾ ಔರ್ ಮೈ वन और वन बाबा और मेरे और बाबा के बीच में तीसरा आया तीसरा नेत्र बंद हो गया। 11 घंटे के बाबा मंतु नानो नमिंद्र मध्य दल यारों पर बाद यारों बंद रे तन्ना मोरने नेत्र बंद। बाबा कहते हैं सर्वज्ञ परमात्मा से प्रीत जोड़ लो ठीक है, अल्पज्ञ आत्माएं अपने आप आपके अंदर नतमस्तक हो जाएंगी है ना, अल्पज्ञ आत्मा से जोड़ोगे तो सर्वज्ञ से दूर हो जाओगे। ಶುಭಾಪ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಪಜ್ಞರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ। पर हम क्या करते हैं पत्ती झाड़ पत्ती फल इनसे दोस्ती करते हैं, जड़ से दोस्ती नहीं करते, जड़ से दोस्ती कर लो पूरा पेड़ आपका। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಲೆ ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ ಬೀಜ ಜೊತೆನೆ बाबा देखा होगा आपने मंदिरों में बड़ा शिवलिंग और उसके आमने सामने शालिग्राम, तो वो हमारी निशानी है, तो बाबा ने आपको बोला तो मास्टर हो, मास्टर कैसे मास्टर सोमनाथ मास्टर रामेश्वरम मास्टर महाकाल मास्टर विश्वनाथ, तो भगवान की सारी शक्तियों को लेकर हमें पूरे विश्व की दुखी आत्माएं अशांत आत्माएं सबको दुखों से छुड़ाना है, हमें वो कार्य करना है। बाबा को करना रहता तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान की स्थापना ही नहीं करता, यह सब चुटकी बजाता सबको बदल देता है, पर भगवान ने हमारे द्वारा वो कर्म करवाने तो हमें क्या करना है उस स्वरूप बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है और अपनी चलन और चेहरे से सेवा करनी है। वो हम अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं 3 दिन से भट्टी में गार्डन में, बहुत सुंदर सब अपने हनुमान स्वरूप के द्वारा बहुत पावरफुल विराट स्वरूप के द्वारा सकाश देते हैं। ಬಾಬಾರವರು ತಾವೇ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಬಾರ ಮನೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳೇನಿದೆ ಸೋಮನಾಥ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಮುಂದೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ
ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಸೊ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬಾಬರ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಬಾಬೋರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಬಾಬೋರ ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಗಳಾಗಬೇಕು तो एक एक बजे अब क्या करेंगे एक बजे का कोड है शिव बाबा शिव बाबा कहाँ रहते हैं परम धाम में एक बजे क्या करना है 12 घंटे के द्वादश ज्योतिर्लिंग गोतायतला ईगा एल्ला नंबर सिक्तला 1 घंटे का शिव बाबा 2 घंटे के उमा बाबा 3 सब रिपीट करिए त्रिलोक नानक को चार धाम 5 स्वरूप 6 7 सप्त गुणगळु एंटु अष्टशक्तिगळु ओंबत्तु नवग्रहगळु हत्तु हत्तु तले अल्ल हत्तु परिष्ठे हन्नोंदु बाबा मत्तु नानु मध्यदल्लि यारु इल्ल हन्नेरडु द्वादश अदेल्ल मास्टर्स न बाबा बेनेनिदे दो दो की जोड़ी बना लीजिए एक एक बोलेगा शिव बाबा दूसरा बोलेगा मम्मा बाबा सबको याद होना चाहिए 2 मिनट का समय फटाफट रिवीजन करिए इब्रिगुरु जोड़ी ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 3 ನಂಬರ್ ಮೇ ಬೋಲಾ ತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಲೋಕ ಚಾರ ಚಾರ ಇವರು ಹೇಳಿ ಇವರು ನೀವು ಶಿವ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂರನೇ ನೀವು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಗೆ 12 ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವು ನೀ ಇಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ किसी को भी कहीं से भी पूछेंगे इसलिए पूरा याद रखना दीदी बता रहे हाँ 1 to 12 अभी भाइयों के साइड बताइए कोई कोई भी बताइए 1 to 12 तक कहा एक शिव बाबा 2 मम्मा बाबा 3 लोग 4 ग्राम धर्म के आता 5 बच्चों 6 मैं को सिक्स 7 सरगुण संपूर्ण 8 प्लस के दाल 9 घर को सखा से 10 हिस्सा इधर 10 स्वरूप अंदर लोग आते हैं 11 सभी बोलना घंटे ಸತೋ ಗುಣಗಳು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು 9 ಗಂಟೆಗೆ
ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. 10 ಗಂಟೆಗೆ ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ನಾನು, 12 ಗಂಟೆಗೆ ದ್ವಾದಶ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ. अब एक जैसे ही बजेगा तो एक नहीं बजा, शिव बाबा बज गया. क्या बजा? और शिव बाबा कहाँ रहते हैं? शिव बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में. तो 1 बजे निराकारी ड्रिल करना है. 1 मिनट हो गया, 1 मिनट करना था. 1 घंटे की पावर, 1 मिनट की पावर 1 घंटे तक चलेगी. 2 बजे का कोड आ गया. 2 बजे का कोड क्या है? मम्मा बाबा. आकारी ड्रिल, फरिश्ता ड्रिल. बाबा ने बोला ना 12 बार निराकारी, 12 बार फरिश्ता. तो फिर सूक्ष्म पतन में मम्मा बाबा से एनर्जी लेना है. ठीक है, 3 बजे 3 लोक के पार, फिर परम धाम में निराकारी ड्रिल 3 बजे. 4 बजे मधुबन की सैर, 4 धाम की सैर. रोज तो नहीं जा सकते मधुबन, पर बुद्धि से रोज जा सकते हैं. 5 बजे 5 स्वरूप का अभ्यास. सब पता है 5 स्वरूप क्या क्या है? हाँ. 6 बजे क्या करना है? देखना है आपकी कमी कमजोरी क्या है. ठीक है, जो कमी कमजोरी की बॉल जो थी ना माया, पहले आपको आउट कर देती थी, पर अब देखना है कि हमारी जो बड़ी बड़ी दादियां हैं ना, बड़ी बड़ी जो दीदियां हैं, देखो सब अव्यक्त हो रहे हैं. अब भगवान ने वो जिम्मेदारी हमारे पर सौंपी है कि अब इस यज्ञ को आगे बढ़ाना है. हमें बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो मैं बाबा की तरफ से बैटिंग कर रहा हूं. मुझे बाबा को हराना नहीं है. तो अपनी कमी कमजोरी को जीवन रूपी ग्राउंड के बाहर मानना है. क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, स्वपरिवर्तन करना है. ठीक है, क्लियर. 7 बजे परम धाम में जाकर 7 गुणों की किरणें जाना है, 7 गुणों की किरणें. 8 बजे सूक्ष्म बतन में अष्ट शक्तियों को अपने अंदर धारण करना है. 9 बजे अनुभव करना है मेरी हाइट यहां से परम धाम तक. मेरी हाइट कहां तक? यहां से परम धाम तक. ठीक है, शिव बाबा भ्रकुटी में बैठा है यहां पर परम धाम में, हाथ जो है सूक्ष्म बतन में और पैर धरती पर. तो ग्रह कैसे देखेंगे? फुटबॉल जैसे. एक एक ग्रह को, राहु को सकाश, शनि को सकाश, बुध को सकाश, ये सबको सकाश. हाइट कहां तक? परम धाम. 1 मिनट के लिए अनुभव करिए मेरी हाइट परम धाम तक. 1 सेकेंड संकल्प परम धाम. सभी खड़े हो जाइए, खड़े होकर करिए. ನನ್ನ ಭ್ರಕುಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಾಹುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾದ ಈ ಸಾಕಾರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಮೇರಿ ಹೈಟ್ ಪರಮ ಧಾಮ ತಕ್ ಹೈ. ಬಾಬಾ ಭ್ರಕುಟಿ ಮೇ ಬೈಠಾ ಹೈ ಶಿವ ಬಾಬಾ. ಮಮ್ಮಾ ಬಾಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬತನ್ ಮೇ ಮೇರೆ ದೋನೋ ಕಂಧೋ ಮೇ ವಿರಾಜಮಾನ್ ಹೈ ಔರ್ ದೋನೋ ಸಭಿ ಮುಜೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದೇ ರಹೇ ಹೈ, ಕರೋಡೋ ಗುಣಾ ಸಕಾಶ ದೇ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಸಕಾಶ ಕಿ ಪಾವರ್ ಹಾಥೋ ಸೇ ನಿಕಲ್ ಕರ್ ಪೂರೆ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ. पैरों से निकलकर वो वाइब्रेशन पूरे संसार में जा रहे हैं. मैं पवित्रता का सूर्य हूं, विराट स्वरूप से मैं सकाश दे रहा हूं. हमारी सकाश करोड़ों गुना सकाश हमारे अंदर आ रही है. बाबा की, बाबा और मैं कंबाइन है. बाबा प्रकृति में विराजमान. हमारी सकाश बाबा की, करोड़ों सकाश हम पर, हमसे सभी पर, जितने भी हमारे यहां महान आत्माएं हैं सबके अंदर वो जा रही. सब बिल्कुल संपन्न और संपूर्ण बन रहे. और सबकी एक साथ इस बाबा के इस यादगिरी सेंटर से पूरे मैसूर में फैल रही. पूरा मैसूर सुख शांति संपन्न निर्विघ्न सेवा के लिए तैयार. करोड़ों आत्माओं की सेवा यहां से हो रही है. और भी जो बचा कुचा शेष क्षेत्र है वहां सब जगह बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है. हर घर बाबा का झंडा लग रहा है, बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है. ऐसे घूमे अपने स्थान पर और वाइब्रेशन फैलाते हैं. अब यही अनुभव मुझसे 10 फरिश्ते निकल रहे हैं. एक तो यही हो गया विराट स्वरूप. ऐसे 10 फरिश्ते 10 दिशाओं में जाकर मैसूर के चारों बादलों में विराजमान. ऐसे 10 बड़े बड़े विराट स्वरूप वो 10 सेवा कर रहे हैं. सबके 10-10 मिलाकर कितने हो गए यहाँ पर? हजारों हो जाए. हजारों फरिश्ते पूरे मैसूर के
आसमान में विराजमान और करोड़ों पवित्रता की बरसात कर रहे, सबका मन शांत, बुद्धि स्थिर, सब निरोगी निर्विघ्न, जिनके जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, चिंता है, सब निश्चिंत हो रहे, सब स्ट्रेस फ्री हो रहे, भाग भाग कर भगवान के घर आ रहे, वर्षा ले रहे, मास्टर भगवान बन जाए, आशीर्वाद का हाथ ठीक करे, युवा स्वयं कंबाइंड और करोड़ों आत्माओं की बाबा हमें कंबाइंड स्वरूप में करोड़ों, मैं हनुमान हूं जिसको ना अनुमान ना अभिमान, केवल बात समान, बाबा की करोड़ों किरणें मुझ पर दस गुना एनर्जी फैल रही है, 20 गुना एनर्जी बाहर फैल रही है वाइब्रेशन, 30 किलोमीटर तक वो एनर्जी हम सब से फैल रही है, हमारी एनर्जी हम सब फरिश्तों पे जा रही है और सब फरिश्तों की मुझ पर आ रही है, बाबा की भी हम पर और हम सब की एक साथ, 1000 गुना एनर्जी संपन्न हमारा संपूर्ण स्वरूप आ गया है और संपूर्ण स्वरूप से सकाश पूरे ब्रह्मांड में लगातार 3 मिनट तक फील करें, बाबा की करोड़ों किरणें हम पर, हमसे सभी परेशान, सभी संपन्न बन चुके हैं, संपूर्ण बन चुके, सभी बाप समान बन चुके, एक बहुत सुंदर पवित्रता का बहुत बड़ा गोला बना है हम सबकी एनर्जी से, और उसका प्रकाश, पवित्रता का सूर्य का प्रकाश पूरे कर्नाटक भारत में फैल रहा है, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबका कल्याण हो, दोनों हथेली रगड़ लेंगे सारी एनर्जी, बैठ गए, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಚನದವರೆಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಬಾವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಬಾಬನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಪರಿಷ್ಠೆಗಳು ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಬನ್ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಕಾಶ ಸೇ ಸಕಾಶ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಈಶ್ವರೀಯ ಸೇ. ತೋ ಸಬ್ಸೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇ ಆರಾ ಡ್ರಿಲ್ ಹೋ ಗಯಿ, 1 ಮಿನಿಟ್ ಯೋಗ ಕರೆಂಗೆ ಪವರ್ 1 ಗಂಟೆ ತಕ ಚಲೇಗಿ, ಫಿರ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಯೋಗ ಕರೆಂಗೆ, ಮೈ ತೋ ಏಕ್ ಕಮ್ ಬತಾ ರಹಾ ಹೂನ್ ಹೈ ನಾ, कम से कम 5 मिनट तो करेंगे, पावर 2-4 घंटे तक चलेगी, ऐसे 12 ड्रिल कर लिया तो अभी जो फरिश्ता हैंडीकैप हो जा रहा था वो हैंडीकैप नहीं होगा, अब वो फरिश्ता ही बना रहेगा और दिन भर उसका चार्ट ऊपर, फिर अमृत वेले 5 डोज ले लिया और ऊपर ऐसे करते हुए 21 दिन इसकी प्रैक्टिस करिए, आपको कॉमेंट्री मिल जाएगी, है ना, इसकी पूरी कॉमेंट्री बनी हुई है, इसको लाखों लोगों ने देखा है और उनका जीवन बदला हुआ है, वो आपको भेजेंगे, और आपने 21 दिन इसका प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिकल में आप फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे, ये प्रैक्टिकल गारंटी। 21 ದಿನಗಳು ಈ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆಯೂ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಥಾಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನೂ ಕೂಡ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ಅದು 1 ಗಂಟೆ ಪೂರ್ತಿ 1-12 ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಲಿಖಿಯೇಗಾ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಕಾಶ್ ಡ್ರಿಲ್ ಐಸೆ ಕರ್ಕೆ ಲಿಖೇಂಗೇ ವೋ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಜಾಯೇಗಾ ಆಪ್ಕೋ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಕಾಶ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. और आज हम लोग बहुत विशेष अभ्यास करने वाले हैं बाप दादा वाला, वहां पर
पावर ऑफ सकाश ड्रिल, पावर ऑफ सकाश ड्रिल यू को पावर ऑफ सकाश ड्रिल पावर ऑफ सकाश जी बंदिदारे कार्यक्रम ओंशन क्लास लेके समाप्त ओंशन कौन सा तो जो बोल कर दिया ना वीडियो के संग कौन सा वाला मेरे को पता नहीं था वो है का और वीडियो लाइक किया कि वो बच्चों वाले वो नहीं है ना कहाँ है वीडियो वो ऐसे थोड़ी कहाँ देखेंगे उनको बुलाएंगे कभी कोई अच्छा कार्टून कहाँ इनको बुलाओ ना बोलो ना नहीं बट्टी बीच मिक्स नहीं करते ठीक है कोई खुशी का एक करेंगे तो अच्छा ठीक है तो सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर एक बार हमारे भाई और दीदी कह रहे हैं कि कुछ हम जो प्रोग्राम कराते हैं ना विशेष रूप से वो आपको ही कराते हैं हाँ